मैं ये नहीं कहा, दावा नहीं ठोक रहा कि मेरे पास है, मेरी जेब में है, नहीं है। वो पार्टी हाईकमान का काम है कि मैं भी अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए कुछ करूं। राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, फिलहाल अभी अड़ेवा में हम आए हुए हैं और विधानसभा के इलेक्शन शुरू होने वाले 2-3 महीने के बाद जो वर्तमान में अभी इलेक्शन की जो दावेदारी कर रहे हैं MLA पद के लिए, हमारे साथ हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे कितना वो दावा करते हैं। अड़े में बंसीलाल गोइया जी है, राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शकों को और आपके चैनल को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम उच्चाणा विधानसभा की हम बात करें, आप टिकट का दावा कर रहे हैं, किस हद तक आप दावा कर रहे हैं? मैं दावा इसलिए दावा नहीं कर रहा, मैं उस लाइन में हूँ और मैंने पार्टी के लिए 2000 में जो काम 2000 सन में मैं जुड़ा था और 2024 तक जी मैं काम करता रहा हूँ एक निष्ठावान कार्यकर्ता बनके, और मैं इसीलिए कि मैं अब मांग रहा हूँ कि मैं इस लाइन में खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहा, दावा नहीं ठोक रहा कि मेरे पास है, मेरी जेब में है, नहीं है। वो पार्टी हाईकमान का काम होता है कि टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। मैं अपने, हमारे कांग्रेस में कल्चर है कि मैं उससे अपना ये बात रख सकता हूँ, मेरे को मौका मिलता है, हर कार्यकर्ता को, मेरे को नहीं, हर कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है कि आप अपने, हाँ ये मौका चाहते हैं। और कांग्रेस का ये कर रहे कि अगर इनको टिकट मिलती है तो हम बात करें टिकट के लिए चुनौती कितनी रहेगी आपके लिए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस में, तो कुछ से चुनौती है आपके लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं होती टिकट में, टिकट हाईकमान को देना होता है और आगे जनता का फैसला होता है इसमें जी, इसमें कोई चेतावनी। वर्तमान में आप किसी पद पर हैं? हाँ, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिले का अध्यक्ष हूँ फिलहाल, और पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष था उसके। आपका कोई पेशा, मतलब आप कुछ काम वगैरह करते हैं? हाँ, मैं एक किसान का, छोटा ही किसान का बेटा हूँ, कृषि भी करता हूँ, मेरा यही काम है। मैंने, आपने सुना आप टीचिंग लाइन में भी? हाँ, मैं स्पोर्ट टीचर था पहले, और चुनाव विधान ये लोकसभा चुनाव से पहले मैंने एक महीना पहले छोड़ दिया जी। तो आपने टीचिंग लाइन से राजनीति में आपने कदम बढ़ाया, क्यों बढ़ाया है, क्या रीज़न है? मेरी बचपन से ही एक रही है कि मैं भी अपने गाँव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए कुछ करूं जी। और राजनीति का सहारा लेना क्यों, हमारे यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हम चाहे बेरोजगारी लगा लो, चाहे पानी की लगा लो, यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं जी। जी बिल्कुल, तो आप उनका समाधान किस प्रकार से करेंगे वो बताइए। समाधान अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे टिकट किसी को मिले, चाहे कोई विधायक बने, हम उनके पास जाके अपने इलाके की आवाज़ उठाने का काम करेंगे और वो काम करवा के लेके आएंगे। हम इस पे काम कर रहे हैं। जैसे हम देखे टिकट ये तो है नहीं कि मतलब सभी को मिले, एक को ही मिलेगी, तो आप उनका अगर टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो क्या कदम रहेगा? मेरा पार्टी का जो भी सिपाही टिकट लेके आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा पूरे तनबंधन से साथ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी भाई आए, चाहे उसमें, अभी आप बोल रहे थे कि मेरे बड़े भाई मेरे गांव से जी धर्मवीर जी आ रही है जी, और ये लोक शक्ति मंच के प्रेसिडेंट हैं आर्य समाज का जो लोक शक्ति मंच है जी जी, तो अगर ये लेके आएंगे मैं इनके लिए भी तन मन से, और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है जी जी। इस क्षेत्र में सरपंच साहब को हर गांव में बच्चा बच्चा जानता है, पूरे उच्चाणा विधानसभा में सरपंच साहब का नाम किसी से छिपा नहीं है जी, जी। सब इसको जानते। कांग्रेस सर, हम बात करें जैसे टिकट किसी को नहीं मिलती तो इससे कांग्रेस में कुछ फूट पड़ेगी? नहीं, कोई फूट नहीं पड़ेगी, सभी कार्यकर्ता अपना, पार्टी के कार्यकर्ता एक सिपाही होके उसके लिए काम करेंगे जी, फूट क्यों पड़ेगी? जैसे अभी हमें सुनने में श्रुति चौधरी जी जो BJP ज्वाइन कर गई है, तो इस प्रकार से कमज़ोर लग रही है आपको कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस क्यों कमज़ोर होती, कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, इसमें कार्यकर्ता आते रहते हैं और जाते रहते हैं, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने से कोई फर्क नहीं। वर्तमान में हम बात करें जैसे लोकसभा में 10 में से 5 सीट हासिल की थी कांग्रेस ने, और तो अब विधानसभा में 90 सीट है, कितनी सीट आप मानते हैं? मैं 75 प्लस सीट मानता हूँ, 75 सीट हमारी कांग्रेस की आएंगी। पिछले 2019 में BJP ने भी ये नारा दिया था 75 पार। नहीं, वो 75 पार का तो नारा था जी, हमारा नारा नहीं है, हम लोग, हाँ लोग बदलाव चाह रहे हैं, युवा बदलाव चाह रहे हैं,
इतना है कि बेरहमी से जो इन्होंने काम किया है, चाहे किसी भी यूनियन के साथ इन्होंने काम किया, वो लोग बदलाव चाह रहे हैं। और जनता जब बदलाव के मूड में आ जाए तो हमारी उस सरकार की ताकत नहीं होती कि उसके सामने वो अड़ जाए। तो जनता बदलाव चाह रही है। मेन सवाल आपका यह हमारा जो है ये रहेगा कि सीएम चेहरा के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? सीएम हाईकमान तय करता है कांग्रेस में, फिर भी आप किसी का नाम? नहीं, मैं नाम तो हाईकमान तय करेगा, मैं थोड़ी तय करूँगा जी। हम बात करें, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किसे चुनौती मानते हैं, बीजेपी या अदर पार्टी में? नहीं, उचाणा में कोई चुनौती नहीं। अगर टिकट मिल, अगर मुझे ये मौका मिल जाता है तो कोई चुनौती नहीं, जनता मेरे साथ है तो मुझे चुनौती से क्या डरना। कितने वोटों से जीत मानते हैं आप? सारे वोट, जमानत जब्त होंगी, सारे वोट जमानत जब्त होंगी, भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की और इंडियन नेशनल लोकदल की। अगर अब लोकसभा की बात करें तो मात्र 4000 पता नहीं 4200 वोटों पे डिप्टी सीएम की मां ने चुनाव लड़ा, वो उचाणा से 4200 वोट लेके आई, तो उसका आप देख लो क्या हाल हुआ है। बंसीलाल जी, आप में क्या खूबी है कि जनता आपको वोट दे? एक खूबी नहीं होती, कार्य करने की अक्षमता होती है जी। हम लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। अगर ये खूबी क्या होता है? नहीं, हम काम करते हैं, पार्टी के लिए भी काम करते हैं और समाज के लिए भी काम करते हैं। वोटर हैं वो कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे या पार्टी को देखकर देंगे? देखिए, दो तरह के वोटर होते हैं, कुछ कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं को, और ज़्यादा मोस्टली जो चल रहा है तो पार्टी को देख के वोट देते हैं जी। मतलब आप पार्टी को देखकर वोट चाहते हैं? बिल्कुल, मैं पार्टी की जी। मुद्दे क्या रहेंगे आपके स्पेशल, आप एक बार? देखिए, हमारे मुद्दे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पानी की जो बड़ी किल्लत है यहाँ, चाहे हमारा खांडा गांव हुआ, गोइया हुआ, दिल्लूवाला हुआ, हसनपुर हुआ, अलेवा हुआ, चूड़पर हुआ, सामदो हुआ, पेगा हुआ, इन यहाँ पर कुएं आंधे हो चुके हैं, यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए। और पानी न पीने के लिए अलेवा गांव में तो खासकर एक समस्या बनी हुई है कि लोगों में सबसे ज़्यादा भय है कि कैंसर होता है यहाँ पर, और उसकी उपेक्षा में यहाँ सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही जी। रोजगार के मामले में हम बात करें, सबसे ज़्यादा हरियाणा बेरोजगारी में टॉप है, उसके बारे में क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तो नंबर वन होता था हरियाणा। कांग्रेस में तो हमें सुने मिला, मतलब पैसे देकर नौकरी लगे करते। कौन कहता है, मेरे को दिखा दीजिए, एक भी प्रमाण दीजिए कि भाई इसने नौकरी में पैसे। कहीं घोटाले सुनने के लिए? कहाँ है घोटाला, ये बताइए आप मेरे को। न्यूज में आए हैं? न्यूज में तो क्या क्या चलता है, अब न्यूज तो एक नरेंद्र मोदी का ही चलता सारा दिन, मतलब ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे साथी जो हैं यही दिखा रहे हैं, नहीं तो इस देश का तो बंटाधार हो गया है। बंसीलाल जी, जैसे आप एक तरह से नया चेहरा है, आसपास के आपके क्षेत्रीय जानते होंगे, लेकिन हम बात करें उचाणा छोटा नहीं है बिल्कुल, तो उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, मेरा चेहरा नया नहीं है, मैं पार्टी की सेवा के लिए 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे पूरे उचाणा विधानसभा के क्षेत्र में सभी मेरे साथी हैं, कर्मठ साथी हैं गांव में। अगर हमारे को मौका मिलेगा तो आपने दिखाई भी देगा कितने साथी हैं कितने जी। फिलहाल 2-3 महीने रहेंगे इलेक्शन के, तैयारियां किस प्रकार से रहेगी, कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगी? बड़े अच्छे ढंग से हमारे कार्यक्रम होंगे, पार्टी की गाइडलाइंस पे हमारे कार्यक्रम होंगे, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आपने कोई इलेक्शन लड़ा अब तक, कोई सरपंची का या वो? हाँ, मैंने पहले गाँव में सरपंची का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें पीछे रह गया था, सेकेंड पोजिशन थी मेरी। लेकिन आप अब MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों का प्यार प्रेम और समर्थन कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, लोगों का बिल्कुल हमारे साथ प्यार प्रेम है। एक जो मेन समस्या आप सुधार करना चाहोगे अपने मन में जो आपके? देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों इस क्षेत्र में समस्या का पूरा बड़ा अंबार है इसमें जी। अगर शिक्षा नहीं है यहाँ पर और ना ही स्वास्थ्य है, आप चाहे मेडिकल में जाके देख लो, अगर हम जींद हमारा कोई भी पेशेंट चला जाता है तो एक स्टीच या एक टाँका लगवाना पड़ता है, तो वो रोज तक के लिए पर्चा बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बंसीलाल जी हमारे साथ है, और कुछ खास संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, चाणा जनता को? हाँ, मैं सभी साथियों से और मेरे बुजुर्ग जो चाणा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइंस दें और अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, ताकि एक शिक्षा अगर बच्चे को मिलेगी तो हमारा क्षेत्र अपने आप विकास की ओर चला जाएगा। देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, बंसीलाल गोया जी से हमने बातचीत की, खुद टीचिंग लाइन से राजनीति में कदम रखा है कि राजनीति में सुधार करना चाहूँ, और मैन है शिक्षा का, उन्हें खुद बेरा है, खुद पता है कि शिक्षा में क्या कुछ कमी है, स्वास्थ्य में क्या कुछ कमी है, रोजगार में क्या कुछ कमी है, तो इन्होंने अपने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, क्या वो खरा उतर पाएंगे, टिकट अगर इनको मिलती है सभी ये ऐलान पूरा करेंगे, इनके एक बार कमेंट करके बताएंगे विचार कैसे लगे आपको, शेयर दिस वीडियो।